了。Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लेबोरेटरी में कैसे अमोनिया गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अमोनिया गैस की लेबोरेटरी प्रिपरेशन, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अमोनिया क्लोराइड यूज कर अमोनिया गैस को कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो गाइस, सारी चीजें हम जानने वाले हैं कि क्या क्या रिएक्टेंट्स यूज करते हैं, क्या रिएक्शन होती है, क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे गैस को कलेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आता है कि क्या रिएक्टेंट्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर अमोनिया गैस की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, क्या यूज कर अमोनिया क्लोराइड यूज कर। तो गाइस, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। तो पहला रिएक्टेंट ऑब्वियसली अमोनियम क्लोराइड ही रहेगा, दैट इज NH4Cl। और जो सेकेंड रिएक्टेंट यूज किया जाता है यहाँ पे, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH2। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स यूज करे जाते हैं। फर्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड एंड सेकेंड इज स्लेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गाइस, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है यहाँ पर, और भी एल्कलाई यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये चीप होता है, प्लस ये डेलिफ्यूसेंट नहीं होता। बाकी के जो एल्कलाई होते हैं, कास्टिक पोटैश हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, ये डेलिफ्यूसेंट होते हैं, बट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये डेलिफ्यूसेंट नहीं होता। अब डेलिफ्यूसेंट का मतलब क्या होता है? तो गाइस, डेलिफ्यूसेंट मतलब वो होता है कि वो सब्सटेंस जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं, दैट आर डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस। पर गाइस, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये डेलिक्यूसेंट नहीं होता, मतलब ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता और सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता, दैट्स व्हाई इसको यूज किया जाता है। साथ में ये चीप भी होता है, बहुत सस्ता होता है, इजिली अवेलेबल होता है, तो इस वजह से इसको यूज कर लिया जाता है। Then guys, जो अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं, बाकी के जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं उनसे भी अमोनिया गैस प्रोड्यूस की जा सकती है, पर यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। बट गाइस, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइड ये दो यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों सॉल्ट होते हैं ये अमोनिया गैस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, कौन कौन से, फर्स्ट इज अमोनियम नाइट्रेट एंड सेकेंड इज अमोनियम नाइट्राइड। गाइस, ये दोनों यूज नहीं करे जाते हैं। क्यों नहीं करे जाते हैं? क्योंकि ये अमोनिया गैस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं, इनका डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक हो जाते हैं ये। तो जो फर्स्ट वाला है ये ब्रेक होता है नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O, और सेकेंड ब्रेक होता है नाइट्रोजन प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं तो हाइड्रोजन 4 यहाँ 2 आ जाएगा, एंड सेकेंड वाली को भी बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो गाइस, ये जो दो अमोनियम के कंपाउंड होते हैं इन्हें यूज नहीं करा जाता है। बाकी के जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं वो अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, बट ये दोनों नहीं करते। आप देख सकते हो ये दोनों डीकम्पोज हो गए, अमोनिया प्रोड्यूस नहीं करते, ये चीज याद रखिएगा, क्लियर। तो गाइस, ये दो रिएक्टेंट यहाँ पर यूज करे जाते हैं। रीजन भी पूछा जाता है, तो रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। मेनली यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रीजन पूछा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि चीप होता है और डेलिक्यूसेंट नहीं होता। गाइस, साथ में यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं ये एक्सेस में यूज करते हैं, इन एक्सेस, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं। क्यों ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, तो उसका भी रीजन मैं आपको बताती हूँ। गाइस, आप में से बहुत से बच्चों को ये चीज पता होगी और बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होगी कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये सबलाइम सब्सटेंस होता है। सबलाइम सब्सटेंस का मतलब होता है कि ये वो सॉलिड होता है जो हीट करने पर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, है ना। सबलिमेशन आप लोगों ने सुना होगा, सबलाइम सब्सटेंस वो होते हैं, वो सॉलिड होते हैं जो कि हीट करने पर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए, है ना। तो जो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड होता है ये सबलाइम सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको एक्सेस में यूज करते हैं ताकि जो अमोनियम क्लोराइड है इसके
के साथ ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अमोनियम क्लोराइड आपको पता है सब्लाइम सब्सटेंस है, तो हीट करने पर ये पेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो अगर पेपर्स में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इस वजह से यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में लिया जाता है ताकि अमोनियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट कर सके। जो सब्लाइम वो कन्वर्ट हो रहा है पेपर्स में, वो कम से कम कन्वर्ट हो सके। That's why अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर एक्सेस में लिया जाता है, ये चीज याद रखेगा। क्लियर? Then guys बात आते हैं रिएक्शन पर कि क्या रिएक्शन होती है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे इसे हीट करते हैं तो गाइस यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है, वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं, साथ में अमोनिया गैस लिबरेट होती है। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो गाइस यहाँ पर कैल्शियम वन, कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पर वन है तो यहाँ टू आ जाएगा, नाइट्रोजन टू हो गए तो यहाँ पर टू आ जाएगा, हाइड्रोजन सिक्स सेवन एट, हाइड्रोजन एट एट नाइन टेन, यहाँ पर हाइड्रोजन सिक्स, यहाँ पे भी आई थिंक टू आएगा, हाइड्रोजन सिक्स एंड फोर टेन हो गए, ऑक्सीजन टू, ऑक्सीजन टू। गाइस रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, जब भी आप रिएक्शन लिखें हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करके ही लिखेगा, ये चीज याद रखेगा। तो गाइस देख सकते हो आप जो अमोनियम क्लोराइड है ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हीट करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं एंड अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है। अब गाइस आप लोगों को मैं डायग्राम की हेल्प से पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ कि क्या होता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये ले लिया है राउंड बॉटम फ्लास्क, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, और गाइस इस फ्लास्क को टिल्ट करके रखा गया है ना, इस फ्लास्क को टिल्ट करके रखा है। देन इस फ्लास्क में ये ले लिया है अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो रिएक्टेंट्स हैं वो ले लिए हैं। देन बर्नर्स की हेल्प से इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली गाइस जब इसको हीट करेंगे तो रिएक्शन होगी, सेम ही रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर वेपर्स यहाँ पे लिबरेट होंगे और अमोनिया गैस लिबरेट होगी, है ना। अब यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब प्रेजेंट है, सो दिस इज डिलीवरी ट्यूब। गाइस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो वाटर वेपर्स है एंड जो अमोनिया गैस है ये इसके अंदर जाएगी। अब गाइस यहाँ पर ये ड्राइंग एजेंट ले लिया है, और ड्राइंग एजेंट यहाँ पर लिया है क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि यहाँ पर एज अ ड्राइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ड्राइंग एजेंट, है ना। अब समझिएगा गाइस वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, ऑब्वियसली वाटर वेपर्स हैं ऊपर जाएंगे, जब ठंडे होंगे तो कंडेंस हो जाएंगे और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अमोनिया गैस यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से होती हुई यहाँ पर गई, जो वाटर वेपर्स हैं वो भी कुछ अमाउंट में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे वाटर कलेक्ट होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर अमोनिया गैस जब ऊपर जाएगी तो यहाँ जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है वो मॉइस्ट अमोनिया गैस है, उसमें ऑब्वियसली वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, बट हमें ड्राई अमोनिया गैस चाहिए। तो अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए यहाँ पे ड्राइंग एजेंट यूज किया जाता है, और वो भी कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज किया जाता है, क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रख देते हैं तो अमोनिया गैस ऊपर जाएगी, हल्की होती है, लाइटर होती है तो राइज अप करेगी, तो जो अमोनिया गैस है वो क्विक लाइम से होती हुई जाएगी। तो ये यहाँ पे जो ड्राइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, अमोनिया गैस से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देन ड्राई अमोनिया गैस यहाँ पे लिबरेट होगी, अगेन यहाँ डिलीवरी ट्यूब है, देन होती हुई ये कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, इस गैस जार के अंदर। और गाइस यहाँ पर ये कलेक्ट होगी तो ये ऊपर की साइड पर कलेक्ट होगी, दिस इज अमोनिया, क्योंकि गाइस जो अमोनिया गैस होती है वो एयर से लाइटर होती है, और यहाँ पर हम अमोनिया गैस को कलेक्ट करवा रहे हैं एयर में, वाटर में नहीं करवा रहे हैं। तो अमोनिया गैस एयर से लाइटर होती है, इस वजह से ऊपर की साइड पर अमोनिया गैस यहाँ पे कलेक्ट होती जाएगी। क्लियर? तो गाइस ये पूरा प्रोसीजर रहता है, याद रखिएगा पूरा प्रोसीजर। गाइस अब बात आती है प्रिकॉशन की, यहाँ पे प्रिकॉशन क्या लिया जाता है। तो द फ्लास्क इज टिल्टेड इन सच अ वे दैट द वाटर फॉर्म इन द रिएक्शन डज नॉट ट्रिकल्स बैक एंड इनटू द हीटेड फ्लास्क एंड थस ब्रेक इट। गाइस यहाँ पे एक प्रिकॉशन लिया जाता है कि ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको इस टाइप से टिल्ट करके रखते हैं कि जो वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होके कंडेंस होंगे और वो वाटर में कन्वर्ट होगा।
अब गाइस जब वाटर कन्वर्ट होगा वाटर में तो वो ठंडा हो जाएगा, तो इस फ्लास्क को इस टाइप से ट्रीट करके रखते हैं कि यहाँ पे जो वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा वो दोबारा पीछे की साइड ना आ सके, इसमें ना आ सके। क्यों? क्योंकि गाइस ये फ्लास्क को हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये फ्लास्क गर्म होगा, और अगर ठंडा पानी इसमें आएगा तो हो सकता है कि ये जो फ्लास्क है ये ब्रेक हो जाए। तो फ्लास्क को बचाने के लिए इस फ्लास्क को इस टाइप से ट्रीट करा जाता है कि जो वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाए, या फिर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो रहे हैं तो वाटर यहाँ पर ही रह जाए, मतलब इधर बैक फ्लो ना हो इसमें ना आ सके, क्योंकि गाइस ये ऑब्वियसली गर्म होगा और जब वाटर इसके अंदर आएगा तो वो ठंडा ही वाटर होगा, तो ठंडा वाटर जब इसके अंदर आएगा तो हो सकता है कि ये फ्लास्क ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर ये प्रिकॉशन लिया जाता है, इस प्रिकॉशन को याद रखेगा, क्लियर। देन गाइस बात आती है ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस के, अमोनिया गैस को कैसे ड्राई किया जाता है, तो जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं वो भी कौन सा, क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। गाइस यहाँ पे बाकी के जो ड्राइंग एजेंट होते हैं वो यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि जो बाकी के ड्राइंग एजेंट होते हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, दैट्स व्हाई बाकी के ड्राइंग एजेंट को यूज नहीं करा जाता। गाइस बाकी के ड्राइंग एजेंट जैसे कि कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया, देन कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो ये जो ड्राइंग एजेंट होते हैं इन्हें यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो आप देख सकते हो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, देन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड अगेन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है वाटर वेपर्स की प्रेजेंस पे, तो यहाँ पर अमोनियम फॉस्फेट फॉर्म हो रहा है। गाइस सेम यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड है ये भी रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, तो यहाँ पर एक एडिशनल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये दोनों आपस में ऐड हो गए हैं तो एक एडिशनल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दैट इज कैल्शियम अमोनिया क्लोराइड, कैल्शियम अमोनिया क्लोराइड। तो गाइस दैट्स व्हाई ये जो बाकी के ड्राइंग एजेंट होते हैं उन्हें यूज नहीं किया जाता है, याद रखेगा, सिर्फ यहाँ पे एक ही ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, दैट इज क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर। तो गाइस ये हो गया कि कैसे अमोनिया गैस को ड्राई किया जाता है। अब बात आती है कि अमोनिया गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, अब यहाँ पे अमोनिया गैस ड्राई होगी तो ड्राई अमोनिया गैस को आप कैसे कलेक्ट करते हैं, तो गाइस जो ड्राई अमोनिया गैस से कलेक्ट किया जाता है बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, याद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया गैस को कैसे कलेक्ट करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब होता है एयर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, नीचे की साइड एयर होती है और ऊपर की साइड अमोनिया गैस कलेक्ट होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस जो अमोनिया गैस होती है वो लाइटर देन एयर होती है, एयर से हल्की होती है, तो ऊपर की साइड अमोनिया गैस होती है और नीचे एयर होती है ना, तो ऊपर की साइड जाएगी अमोनिया गैस, ये चीज याद रखिएगा। देन वाटर के ऊपर इसको कलेक्ट नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि जो अमोनिया गैस होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, दैट्स व्हाई इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं किया जाता, अगेन इंपॉर्टेंट है ये रीजन पूछा जाता है दैट व्हाई अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, तो आप आंसर लिखेंगे बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर। तो गाइस यहाँ पे अमोनिया गैस कलेक्ट होती है तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो गई इस टाइप से, तो ये पूरा लैबोरेटरी प्रिपरेशन होता है अमोनिया गैस को प्रोड्यूस करने का, सारी चीजें याद रखिएगा, रिएक्टेंट्स, रिएक्शन, प्रिकॉशन, क्या ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, कैसे गैस को कलेक्ट करते हैं, और जितने भी रीजन है कि यहाँ पर यही रिएक्टेंट्स क्यों यूज करते हैं, बाकी के जो ड्राइंग एजेंट है वो क्यों नहीं यूज किया जाता है, देन अमोनिया गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता है, तो गाइस ये रीजन भी पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। और गाइस जो डायग्राम है याद रखिएगा, डायग्राम की लेबलिंग आ सकती है आपको, ये पूरा सेटअप दे देंगे बनाने को, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, पूरा सेटअप दे देंगे, लेबलिंग पूछी जा सकती है, उस पर बेस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। तो गाइस इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।